नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुलकर के तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा से दोस्तों बड़ी खबर है, योग दिवस आयोजन में पहुंची बबीता फोगाट का हुआ है जबरदस्त विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे, दिया है खदेड़। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा में किसानों की तरफ से भाजपा जेजेपी नेताओं का विरोध लगातार जारी है। चरखी दादरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में हिस्सा लेने पहुंची यहाँ पर बीजेपी की नेत्री बबीता फोगाट को किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने योग दिवस मनाने के लिए भाजपा जेजेपी नेताओं को काबों में घुसने से भी यहाँ पर रोकने की बात कही। आप लोगों को बताते चलें, किसानों ने फोगाट का प्रधान बलवंत नंबरदार की अगुवाई में बबीता फोगाट के खिलाफ नारेबाजी की है और कहा है कि जब तक कि तीनों ही काले कानून रद्द नहीं हो जाते हैं, उनका विरोध लगातार जारी रहेगा, उनको हम कहीं पर भी घुसने नहीं देंगे और कोई भी आयोजन करने नहीं देंगे। ये यहाँ पर टूटू कहना है किसानों का। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बबीता फोगाट को किसानों ने खदेड़ा है और दिखाए हैं काले झंडे, की है विरोध में नारेबाजी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, 100 बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। आप लोगों को बताते चलें, खबर है भाजपा बसपा छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए 100 महिला और पुरुषों को विधायक ने यहां पर सदस्यता दिलाकर के उनका स्वागत किया है। इस दौरान 2022 का चुनाव फतह करने का संकल्प भी लिया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों हलचल दिखाई पड़ रही है उत्तराखंड के अंदर। देख सकते हैं कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब आप लोगों को बताते चलें, मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आमने सामने आ चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी से बाहर होने की भी जल्द ही संभावना नजर आ रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, क्योंकि बीजेपी में उनकी दाल तल नहीं रही है। हाल ही में उनको मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया था। दोस्तों, ये यहाँ पर अपडेट है, अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के दोस्तों बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी का 50 नेताओं को फोन, कहा चुनाव की तैयारियां करें, आपका टिकट कंफर्म है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। 3 दशक से सूबे की सत्ता से बाहर कांग्रेस सियासी बनवास को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी के तकरीबन 50 नेताओं को खुद फोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं, अगस्त तक कांग्रेस ने प्रदेश की 200 से भी ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट रखा है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोन वाइज मीटिंग कर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और देख सकते हैं कि यूपी में कांग्रेस के 50 कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर फाइनल हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने योग दिवस को बताया है नौटंकी, कहा जिनके पास रोटी नहीं है उनसे यह केक खाने को कहने जैसा है। आप लोगों को बताते चलें, आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप लोगों को बताते चलें, पूर्व जज ने कहा है कि मैं इसे एक नौटंकी और नाटक मानता हूं। जब 50% भारतीय बच्चे कुपोषित हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लें, हमारी 50% महिलाएं एनीमिक हैं और रिकॉर्ड बेरोजगारी है देश में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने आगे कहा है कि खाद्य पदार्थों, ईंधन, गैस सिलेंडर आदि की आसमान छूती कीमतें किसानों का संकट। और आगे आप लोगों को बताते चले, भारत में लोग योग नहीं बल्कि भोजन, नौकरी, आश्रय, उचित स्वास्थ्य देखभाल, अच्छी शिक्षा और अन्य आवश्यकताएं चाहते हैं। किसी भूखे या बेरोजगार पुरुष या महिला को योग करने के लिए कहना एक तरह से क्रूर चाल और भटकाव है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू आगे कहते हैं कि अगर आप गरीबी, बेरोजगारी, भूख, मूल्य वृद्धि, स्वास्थ्य देखभाल, किसान संकट आदि की भारी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं, तो भारतीय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए स्टंट और नौटंकी जैसे विकास, योग दिवस, राम मंदिर, स्वच्छता अभियान, CAA अनुच्छेद 370 का निरसन आदि करें। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं।
त्रिपुरा में हुई है मॉब लिंचिंग, मवेशी ले जा रहे 3 लोगों की पीट पीट करके कर दी गई हत्या। आप लोगों को बताते चलें, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मवेशी ले जा रहे 3 लोगों को उत्तेजित स्थानीय लोगों ने पीट पीट करके मार डाला। मारे गए लोगों के नाम है जायद हुसैन, बिलाल मियां और सैफुल इस्लाम। आप लोगों को बताते चले इस पूरे मामले पर, पुलिस का कहना है कि रविवार को एक ट्रक में 5 जानवरों को ले जाते हुए देखने के बाद नमन जायपाड़ा गांव के लोगों ने उनका पीछा किया और उत्तरी महारानीपुर गांव के पास उन्हें पकड़ लिया। इन लोगों ने मवेशियों के साथ पकड़े गए लोगों को पूरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान 3 ही लोगों की यहां पर मौत हो गई। देख सकते हैं कि त्रिपुरा में मॉब लिंचिंग का मामला सामने निकल के आया है। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे कई मामले लगातार सामने निकल के आ रहे हैं। 3 लोगों की गई है पीट पीट करके हत्या। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राहुल गांधी बोले, कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ये भी करने को तैयार नहीं है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने हलफनामा दायर किया है और कहा है कि कोरोना पीड़ितों को 4 लाख का मुआवजा सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। ये यहां पर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर के घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। रेल और कोयले के बाद तेल और गैस भी निजी हाथों में बेचेगी मोदी सरकार। 100% FDI का मसौदा किया गया है तैयार। प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की जो बदहाली हुई है वो किसी से भी छुपी नहीं है। निजीकरण, बेरोजगारी, GDP का गिरना, रुपए का मूल्य घटते जाना, ये सब कुछ भाजपा सरकार के आने के बाद लगातार होता ही चला जा रहा है। रेल, जंगल, कोयला आदि जैसे देश के बहुमूल्य संसाधनों का निजीकरण करने के बाद अब ये सरकार तेल एवं गैस क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने की तैयारी में है। मोदी सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने तेल एवं गैस क्षेत्र के उपक्रमों में यहां पर स्वतः मंजूर मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विमर्श करने के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा जारी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रेल से लेकर के भेल, एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ पर हवाई जहाज तक सब कुछ यहाँ पर बेचने को तैयार हो चुकी है मोदी सरकार। और बड़े स्तर पर यहाँ पर मोदी सरकार आने वाले वक्त में करने जा रही है निजीकरण। बैंक को हर चीज मोदी सरकार यहाँ पर बेचने पर तुली है। अगर आप लोग मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इस खबर पर अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। TMC ने बंगाल के अंदर 5 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है, तो वहीं 50 सीटों पर रिकाउंटिंग के लिए हाई कोर्ट जाएगी BJP। बंगाल विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुए करीब 1.5 महीने बीत गए हैं, नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन गई है, लेकिन चुनावी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। नंदीग्राम में यहां पर ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों को चुनौती दी है और यहां पर धांधली के आरोप लगाए हैं और एक बार फिर से मतगणना कराने के लिए तृणमूल सुप्रीमो कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। और जिसके बाद यहां पर जज को लेकर के भी ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जज ममता बनर्जी के इस मामले की सुनवाई कर रहे थे वो यहां पर BJP से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। और वहीं TMC की ओर से नंदीग्राम के अलावा 4 और सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग करने वाली याचिका दायर की गई है। यहां पर सत्तारूढ़ दल को मामूली अंतर से शिकस्त मिली थी। और वहीं अब सूत्रों के अनुसार एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब BJP भी इसी तरह यहां पर कई हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करेगी। TMC ने 5 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है, तो वहीं BJP 50 सीटों पर एक बार फिर से मतगणना कराने की कोर्ट में मांग कर सकती है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट है, अगली जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। जल्द ही हो सकती है बंगाल के राज्यपाल धनखड़ की विदाई। राज्यपाल को हटाने के लिए TMC राष्ट्रपति से गुहार क्यों नहीं लगा रही है? अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ उनकी हालिया मुलाकात के मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। इसके साथ ही आश्चर्य जताया है कि TMC यहां पर धनखड़ को हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाने के बजाय केवल राज्यपाल के खिलाफ मीडिया में बयान आखिर क्यों जारी कर रही है? राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और वो लगातार BJP का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर के TMC लगातार उन पर हमलावर रहती है।
और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से कहा है कि वो राष्ट्रपति से गुहार लगाएं कि यहां पर राज्यपाल धनखड़ को हटाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। दोस्तों देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन मांग तेज होती जा रही है। आप लोग भी यही मांग करते हैं कि राज्यपाल धनखड़ को हटाया जाना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एक और अपडेट जान लेते हैं। किसानों का एक और बड़ा ऐलान, 30 जून को सभी सीमा विरोध स्थलों पर मनाएंगे हुल क्रांति दिवस, खाप भी विरोध का करेंगे समर्थन। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। संयुक्त किसान मोर्चा ने 30 जून को सभी सीमा विरोध स्थलों पर हुल क्रांति दिवस मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 7वें महीने के करीब है। किसानों के मुताबिक स्थानीय इलाकों के ग्रामीण और खाप भी विरोध का समर्थन लगातार कर रहे हैं। एसकेएम ने कहा है कि 30 जून को जनजातीय क्षेत्रों के सदस्यों को धरना स्थलों पर आमंत्रित किया जाएगा। किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा है कि हमने सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित ग्राम सेलागार के आदिवासियों को अपना पूरा समर्थन दिया है, जो लोग क्षेत्र में सीआरपीएफ शिविर स्थापित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह जमीन बिना किसी रेफरल ग्राम सभा के निर्णय के ली जा रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान मोर्चा ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। अगली अपडेट जान लेते हैं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एकजुट है। संजय राउत बोले, हम 5 साल सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में जारी सियासी संग्राम अब थमने लगा है। कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में अब सब कुछ ठीक ठाक है। इस मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान भी सामने निकल के आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी बिल्कुल एकजुट हैं और पूरे 5 साल सरकार चलाने के लिए यहां पर प्रतिबद्ध भी हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि यह सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। और उन्होंने आगे कहा है कि बाहरी लोग महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए बेचैन हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ही रहेंगे मुख्यमंत्री। ये यहां पर दो ढूक कहना है संजय राउत का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार एनडीए में पड़ी है फूट। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के गरमाई बिहार की सियासत, बीजेपी से अलग है जेडीयू का रुख। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को लेकर के एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जैसे ही घोषणा की कि उनके प्रदेश में कुछ चुनिंदा सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चों की नीति लागू की जाएगी, देश में एक नई बहस यहां पर छिड़ गई है लगे हाथों। उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है कि योगी सरकार भी तैयारी कर रही है कि यूपी में सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके 2 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना भी शुरू कर दिया है। जब असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की चर्चा तेज हुई, तो बिहार से भी इस तरह के कानून बनाने की मांग यहां पर शुरू हो गई। इस मसले को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां पर कहा है कि असम के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं देश हित में हैं और यहां पर बिहार में भी ऐसा ही कानून बनना चाहिए, जिसको लेकर के जेडीयू ने यहां पर विरोध दर्ज करवाया है। और जेडीयू का कहना है कि राज्य के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा। देख सकते हैं कि बिहार एनडीए के अंदर यहां पर साफ तौर पर फूट नजर आ रही है। दोस्तों आज के समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।